आईपीएल नीलामी के पहले दिन कई नामी क्रिकेटर अनसोल्ड रह गए। इसमें लिस्ट में ची डट के बाद शा कहे जाने वाले क्रिस गेल का भी नाम था। 2 करोड़ के बेस प्राइज के साथ पहले दिन गेल को कोई खरीदार नहीं मिला। नीलामी के दूसरे दिन भी पहली बार में उन्हें खरीदने के लिए कोई टीम नहीं आई। गेल का नाम नीलामी के आखिर में एक बार फिर बेस प्राइज 2 करोड़ के साथ लिया गया। आखिरकार तीसरी बार में किंग्स इलेवन ने मौके का फायदा उठाते हुए गेल को हाथ से निकलने नहीं दिया और अपने पर्स के 2 करोड़ रुपए गेल पर लगा दिए। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बिक जाने के बाद गेल के फैंस को काफी राहत मिली। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इस बार गेल के बिना यह आईपीएल फीकी रहेगी। उधर किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से गेल की तस्वीर शेयर की है जिसमें वह पगड़ी पहनकर सोए दिख रहे हैं। साथ ही लिखा है, पंजाब आने के लिए वे पहले से ही तैयार हैं। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने क्रिस गेल को टीम में बनाए रखने में रुचि नहीं दिखाई।